उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में गरीबी से तंग आकर विधवा महिला बुर्का पहनकर उतरी सड़क पर और चला रही है ई रिक्शा। महिला ई रिक्शा चलाकर कर रही है अपने पूरे परिवार का पालन पोषण। महिला का कहना है कि बिल्कुल भी रोजगार नहीं है और महंगाई बहुत ज्यादा ही बढ़ गई, जिसकी वजह से वो सड़क पर उतरकर 5 महीने से ऑटो चला रही है। महिला का कहना है कि उसके पति की 13 साल पहले मृत्यु हो गई थी। महिला की आने जाने वाले सभी लोग सराहना करते हैं और महिला का कहना है मुझे पुलिस प्रशासन का भी काफी सहयोग रहता है, सभी पुलिस वाले मुझे ट्रैफिक रोक कर निकलवा देते हैं और योगी जी की सरकार में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ और परेशानी नहीं होती। महिला दिन में 2 घंटे और रात को 2 बजे तक ऑटो चलाती है। महिला का कहना है कि गरीबी और बेरोजगारी की वजह से मजबूर होकर ऑटो चला रही है और अच्छा महसूस। मेरे शोहर का नाम है किश्वर, जिनकी डेट हो गई 10 साल पहले, सन 2010 में डेट हो गई उनकी। हाँ, 13 साल हो गए। महंगाई पे मजबूर हो गई हूँ, महंगाई में नहीं गुजारा हो पा रहा था बच्चे की कमाई में, इसलिए मैंने ई रिक्शा पकड़ ली 5 मई से। परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ। लड़का मेरा वेल्डिंग का काम करता है, 400 रुपये रोज पे, 400 भी मिल जाते हैं, किसी दिन 500 मिल जाते हैं, ओवर टाइम होता है तो इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं बच्चों को। कितना वक्त हो गया? अब मई 5 मई से चला रही हूँ, तो आप जोड़ लीजिए कितना। नहीं नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है, लोग मुझे सल्यूट करते हैं, औरतें भी कहती हैं आप अच्छा कर रही हैं कि मेहनत करके खा रही हैं, जेंट्स भी कहते हैं कि ये देखो ये खुददार औरत है, लोग चलते। आपने कह दिया तो मैंने ये नीचे कर रखा, नहीं तो मेरा ये ऊपर रहता, गाड़ी चलाते मैं यहाँ रहता है यहाँ पर। तो मैं सुबह 11 बजे से निकलती हूँ तो दोपहर का टाइम 1 बजे अपने घर चली जाती हूँ, 2 घंटे चला के। हाँ, फिर सब मिलते हैं। मैं रात को 2 बजे तक चलाती हूँ। हाँ, फिर जो खाना खा के निकलती हूँ रात का डिनर करके, तो रात को 2 बजे तक चलाती हूँ। जी क्यों नहीं, सबसे होता इस बुरखे का लिहाज करते हैं लोग, क्या मतलब अपने मजहब के साथ में ये रिक्शा चला रही हैं और अच्छी नेक औरतें इसी ने बुरखा पहन कर चला रही हैं। नहीं, आज तक मुझे किसी ने टच नहीं करा, किसी ने तू से नहीं बोला। योगी जी की सरकार में मुझे बहुत सपोर्ट है, पुलिस वालों की, आईजी लोगों की, कोई मुझे रोकता नहीं है कहीं भी चली जाऊँ। हाँ, स्टेशन तक चली जाती हूँ, रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी मुझे आईजी निकलवा देते हैं, पुलिस वालों से कहते हैं इनको निकलवाओ ट्रैफिक रोक के। कहीं ना कहीं रोजगार के मसले में, मतलब गरीबी है। हाँ, गरीबी के मसले में इसमें निकल गए हम। आईजी को भी हमने यही बताया, मैं क्या गरीबी है इसीलिए तो हम ये चला रहे हैं, कोई हमें खुशी थोड़ी आ रही है इसको चलाने में। हाँ, एक दफ़ा गाड़ी पलट गई थी शुरू में जब हमने चलानी शुरू करी थी, तो जैसे आप लोग हैं ऐसी दस्तगीरों ने समेट के सब हमारा। हम 400 रुपये कमा लेते हैं। जी मैं सौदा लेकर जाती हूँ, सब्जी बनाने का जो राशन पानी होता लेकर जाती हूँ। अच्छा फील होता है मुझे कि मैं अपनी मेहनत का खा रही हूँ, नींद भी बढ़िया आती, जब इंसान थक जाता तो पढ़ के होश ही नहीं रहता, फिर सुबह ही आँख खुलती है।